हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड कैलकुलेशंस आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट क्या है? वेरी सिंपल, एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, लाइक ट्यूबलाइट हो गए, जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। उसको हम पास आउट करते हैं एक निकोल्स प्रिज्म से, राइट। और निकोल्स प्रिज्म क्या है? वेरी सिंपल, आपको समझना है कि एक जैसे ये मार्कर है, तो अभी मैं जितनी भी लाइट पास करूंगा ये सब रुक जाएंगी, राइट। इसको क्या करूंगा, बीच से मैं ब्रेक कर दूंगा, बहुत थोड़ा सा गैप कर देना है, तो उससे लाइट पास हो जाएंगी। कौन सी लाइट पास होंगी? जो एकदम हॉरिजॉन्टल आएंगी, राइट। तो इसलिए सिर्फ वही लाइट पास हो पाएंगी, और जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं उसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, PPL शॉर्ट फॉर्म है, प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। अब इस लाइट को अगर मैं इस सॉल्यूशन से पास किया और अगर उसमें डिफ्लेक्शन आता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, आइदर राइट रोटेट कर गई या लेफ्ट, तो डैट मीन्स इसमें जो भी कंपाउंड हमने ऐड किया था वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर लाइट में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वर्ड से ही क्लियर है, जैसे देखो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिक वर्ड जहाँ पे भी है मतलब लाइट से रिलेशन है, और एक्टिव मतलब वो सेंस कर रहा है उस लाइट को, जिंदा है वो, राइट, ऐसा समझो। और ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब डेड हो गया है, डैट मीन्स लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये तो हो गए एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो हम ये सब तो करेंगे नहीं, हमें तो मॉलिक्यूल गिवन होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं ये पूछा जाएगा, तो थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम दो चीज़ का सहारा लेंगे। एक होता है POS, डैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक होता है COS, डैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको मॉलिक्यूल में चेक करना पड़ेगा कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? वेरी सिंपल, एक ऐसा प्लेन जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में कट होना चाहिए। ध्यान रहे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट कीजिए, और वो जो कट पार्ट है इक्वल वाला, वो एक दूसरे का अगर मिरर इमेज है तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए, जैसे ये अल्फ़ाबेट ए लिया, तो अगर मैं उसको इस प्लेन से कट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो इक्वल पार्ट में कट हो गया, मिरर इमेज है, डैट मीन्स इसमें POS है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं, तो ध्यान से देखो इस प्लेन से अगर मैं कट करूंगा तो इक्वल पार्ट में कट हुआ, मिरर इमेज है, तो इसमें भी POS है। बट इसको आप किसी भी प्लेन से कट कर लो, इक्वल पार्ट में नहीं कट हो पाएगा और मिरर इमेज भी नहीं होगा, तो इसमें POS नहीं है। सिमिलरली सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि मॉलिक्यूल के सेंटर पे जाकर के बैठ जाना, और वहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे सेम एटम या मॉलिक्यूल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर मैं बैठ जाऊँ तो इस दूरी पर अगर हाइड्रोजन है तो उसके जस्ट अपोजिट 180 पे यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे सेम एटम है, वैसे ही इधर भी हर डायरेक्शन में होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। एवरी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एटम है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे है वो और 180 डिग्री पे, तो हम बोलेंगे उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अगर नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं थ्योरेटिकल। इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए उसमें POS नहीं होना चाहिए, कट मतलब उसमें POS नहीं होना चाहिए, एंड COS भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, ये दोनों प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो जाता है या दोनों हो जाता है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ एक वर्ड आता है काइरल कार्बन, राइट। काइरल कार्बन का मतलब क्या है? एक ऐसा कार्बन जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, डैट मीन्स डेफिनेटली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3, क्योंकि चार हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, वी नो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, और चारों के चारों अगर डिफरेंट होंगे तो उसको काइरल कार्बन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो इस कार्बन पे OH है, Cl है, CH3 और H है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको काइरल कार्बन, और इसको स्टार से दिखाएंगे, तो ये काइरल कार्बन है। इसमें अगर इसमें मैं चेक करूँ तो ये कार्बन पे ये Cl हो गया, इधर ये CH3, एक ये पूरा इथाल और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये इसमें काइरल कार्बन है। ये सबको क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि तीन हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन सेम, राइट, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर इसमें देखो तो ये तो Cl एक डिफरेंट हो गया, ये एक हाइड्रोजन, ये डिफरेंट हो गए, बट इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसमें काइरल कार्बन नहीं है, राइट। और अगर काइरल कार्बन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर इसमें काइरल कार्बन है तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो तब आपको लगाना जब सिर्फ एक काइरल कार्बन हो। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता है।
तो नाउ जो बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ कि बेटा नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए। नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास POS नहीं होना चाहिए और COS नहीं होना चाहिए। कायरल कार्बन ना भी हो तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसा बना लेते हैं माइंड में कायरल कार्बन होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। मेन कंडीशन इज कि POS एंड COS नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक कायरल कार्बन होगा तो डेफिनेटली उसमें POS COS नहीं होगा, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल लिया हमने, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड साथ में आ रहे हैं, ये दोनों जो एटम लगे हुए या ग्रुप वो इसी प्लेन में होंगे और ये ऐसे प्लेन के अप होगा और एक डाउन होगा। तो आप इसको किसी भी प्लेन से कट करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, राइट। अगर मैं बोर्ड के प्लेन से कट करूं तो ये अप है CH3, उधर H डाउन है, राइट। तो दोनों सेम नहीं आ रहे क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। तो इसमें POS भी नहीं है, ध्यान से देखो तो COS भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे COS कैसे चेक कर लेते हैं, इधर CH3 इधर, नहीं मैंने क्या बोला है 180 पे लेना बेटा आपको, तो इधर CH3 है तो इधर H है, तो इसमें COS भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए जो मेजर कंडीशन है कि POS COS नहीं होना चाहिए, कायरल कार्बन ना हो तो भी चल जाएगा। हाँ, अगर कायरल कार्बन है तो वो फिर इसी को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो अगेन ये वाला भी पार्ट जो हो गया थोड़ा सा आपके लिए क्या हो गया, टफ हो गया कि POS COS चेक करना पड़ेगा, तो आपको मैंने उससे भी बचा लिया। अभी मैं जो ट्रिक दूंगा उसमें POS COS नहीं चेक करना, डायरेक्ट उस ट्रिक से आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल शो करेगा या नहीं। नाउ ट्रिक्स जिससे आपको POS या COS चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। तो देखो ध्यान से, अगर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन हो तो आपको कुछ नहीं सोचना, ऑलवेज मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट। और कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं, तो बता दिया चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा, अगर दोनों साइड से आप IUPAC नेम करें अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे वो सारे के सारे, और अगर IUPAC नेम सेम आ रहा है तो फिर वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट, उसके कुछ स्ट्रक्चर, और कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे जिसको हम मीजो बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट सब के सब को हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होंगे क्योंकि हाफ पार्ट लाइट को राइट रोटेट करने की कोशिश करेगा तो हाफ पार्ट लाइट को लेफ्ट, इसलिए कंपनसेशन की वजह से वो कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट वो ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1, 2 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, इधर से भी करेंगे तो 2 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, दोनों तरफ से IUPAC नेम सेम आ रहा है, दो कायरल कार्बन हो गए, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी जिसकी वजह से उस केस में ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि अगर क्लोरीन अप होंगे और ये क्लोरीन डाउन होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दोनों अप होंगे या दोनों डाउन होगा तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, उस केस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मीजो। तो कहने का यह मतलब है कि एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है डिफरेंट आयु पैक है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सेम आयु पैक है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन उसमें से कुछ जो उसके स्ट्रक्चर होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, राइट। दूसरा इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आपको डबल बॉन्ड कंटिन्यूस आ रहा है और इवन नंबर पे, ध्यान रहे इवन नंबर मतलब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है 4, 6, 8, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं और इधर वाले दोनों ग्रुप सेम नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, और इधर वाले भी सेम नहीं है सी नॉट इक्वल टू डी, तो ये फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी, तो इसलिए इस केस में आपको सोचना नहीं है। बट अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहा है तो उस केस में ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएंगे और प्लेनर होने की वजह से ये ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इधर कुछ भी हो जाए, इसलिए इसमें GI हुआ था OI नहीं होगा, इसमें GI नहीं हुआ OI हुआ, राइट। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, डबल बॉन्ड को हम रिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगेन वही बात, अगर रिंग एक साथ में आ रही है, इवन नंबर में है, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, तो अगेन ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपका अगेन ऑड नंबर में होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, ये बल्कि ग्रुप है, इसके रिपल्सन होने की वजह से ये रिंग इस प्लेन में होगा तो ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे, राइट। तो अगेन ये नॉन प्लेनर हो जाएंगे और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये फिर क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव।
क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और सी एस थ्री, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट यही है, राइट। देने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड से दे सकता है, रिंग से दे सकता है, इस टाइप से दे सकता है, या रिंग और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन। तो ऑलवेज इवन ऑड से चलना है, इवन होगा तो पॉसिबिलिटी है, अगर एक ही साइड सेम नहीं है तो दोनों साइड चेक करना आपको, और ऑड होंगे तो आपको बोल देना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे। रिंग के केस में कैसे चेक करेंगे? तो जो भी कार्बन है, अगेन बिल्कुल इस टाइप का कंडीशन लेंगे, कायरल कार्बन चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पर मिथाइल है, इधर कोई ग्रुप नहीं लगा, इधर OH है, तो ये कायरल कार्बन हो गया और ये भी कायरल कार्बन हो गया, राइट। तो कायरल कार्बन चेक कर लेना, कायरल कार्बन है इसलिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, एक्टिव। डैट मीन्स इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जो कंडीशन यहाँ चेक करते हो वही यहाँ चेक करना। जैसे इस केस में अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पे ये कार्बन पे मिथाइल है, इधर गए तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट कार्बन पे एक और कार्बन है, राइट। तो ये दोनों सेम नहीं हुए, तो ये भी आपका कायरल है और ये भी कायरल है, राइट। बाय द वे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आएंगी, तो कुछ मॉलिक्यूल इसके जो होंगे, कुछ स्ट्रक्चर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बट ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करेगा, राइट। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप ट्रिक से चेक कर सकते हो। नाउ नेमिंग की ट्रिक की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, आपको दो कॉन्फ़िगरेशन में दिया जा सकता है। एक बोलते हैं वेज एंड डैश, राइट। तो वो दिख जाएगा, ये डैश है, राइट, और इसमें से सपोज कर लो कि कोई एक आपका वेज पे, राइट। सिमिलरली ये वेज हो गया, ये डैश हो गया। जो थिक लाइन्स होते हैं उसको वेज बोलते हैं, और जो डैश है वो डैश है, राइट। तो ये वेज डैश में आपको नेमिंग करना पड़ेगा, या फिर इस टाइप के प्लस वाले साइन से इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो ध्यान दें, जो वेज एंड डैश है वो 3D प्रोजेक्शन है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसके अकॉर्डिंग है, और फिक्स्चर जो है वो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए उसको कन्वर्ट किया है, ये 2D प्रोजेक्शन है। पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेमिंग कर रहे हो उसके बाद प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज जाओगे, तो उसको बोलेंगे R, और एंटी क्लॉकवाइज तो यूज करेंगे S। व्हाट डू यू मीन बाय R? R फॉर रेक्टस होता है, S फॉर सिनिस्टर। तो पहले ये सब क्लियर होना चाहिए, राइट। क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेज डैश फिक्स्चर क्या है? ट्रिक का पॉइंट क्या है कि आपको एक वर्ड याद रखना है, डैट इज वैलिड। सिंपल है। वैलिड का मतलब क्या है कि लो प्रायोरिटी ग्रुप, ध्यान से देखो, V फॉर वर्टिकल, L फॉर लो प्रायोरिटी ग्रुप, D फॉर डैश। अगर आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप या तो वर्टिकल लाइन पे है, डैट इज फिशर में, या फिर डैश लाइन पे है, डैट इज वेज डैश में, तो उस केस में अगर क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हो तो R बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेरी सिंपल, वैलिड वर्ड में ही सब वर्ड आ गया। लो प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका वर्टिकल पे है या फिर डैश पे है, तो क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेरी सिंपल है, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अदरवाइज में रिवर्स कर देना, मतलब क्लॉकवाइज में S हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में R हो जाएगा। ये कब करना? जब आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप इसको फॉलो नहीं कर रहा हो। अभी मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ, प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, राइट। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे आपको इसका RS नेमिंग अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जो कायरल कार्बन होगा उससे जो पहला एटम अटैच होगा, पहले उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे कार्बन है, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो गया? ब्रोमीन का, तो ये 1 हो गया। उसके बाद क्लोरीन का, तो ये 2 हो गए। उसके बाद ये ऑक्सीजन का, तो ये 3 हो गए। उसके बाद ये 4 हो गए, राइट। तो ये है प्रायोरिटी असाइन करने का मतलब। ये कर दिया, अब आपको ऑलवेज ध्यान रहे, ऑलवेज 1 से 2 जाना, 2 से 3, इग्नोरिंग 4। 4 कहाँ पे आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, 1 से 2 पे जाना, 2 से 3 पे। तो ध्यान से देखो, 1 से मैं 2 पे गया और 2 से 3 पे, तो ये कैसे चल रहा है? ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब लो प्रायोरिटी चेक करो, लो प्रायोरिटी आपका किस पे है? ध्यान से देखो, डैश पे है, क्योंकि लो प्रायोरिटी मतलब 4th नंबरिंग वाला, तो ये डैश पे है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वैलिड वर्ड लग रहा है, लो प्रायोरिटी डैश पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? S। ऐसे आपको करना है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये वाला है, तो ये आपका कायरल कार्बन है, इससे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, राइट। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा, तो 1। अब यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन हो गए, अगर पहला एलिमेंट सेम हो जाता है तो दूसरे एलिमेंट पे जाना, वो भी सेम हो जाएगा तो तीसरे पे, राइट। इस टाइप से, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2, ये 3 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में 4। अब ऑलवेज आपको कहाँ जाना? 1 से 2, 2 से 3। तो ध्यान से देखो,
वन से टू, टू से थ्री, इग्नोरिंग फोर, राइट। आप डायरेक्ट वन से थ्री नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते, वन से टू जाना, टू से थ्री। आप ध्यान से देखो तो आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बट जो हमारा लो प्रायोरिटी ग्रुप है डेट इज फोर्थ वाला, वो आपका डैश पे नहीं है, तो वही हमने बोला फिर अदरवाइज में क्या कर देना, रिवर्स। तो ये हमें क्लॉकवाइज जा रहा था, राइट, तो इसको क्या होना चाहिए था, आर, लेकिन ये क्या होगा, एस। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, लो प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पे नहीं है, तो ये हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या लेना था, आर, लेकिन अभी उसका उल्टा करेंगे, तो ऐसे करना आपको वेज डैश में, क्लियर है। एक से ज़्यादा भी होंगे तो सेम वैसे ही करना है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो वही सेम पॉइंट, ये कायरल कार्बन हो गया, तो यहाँ पे ये क्लोरीन तो वन, ये ऑक्सीजन को दो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये थ्री और ये फोर, ओके। ऑलवेज इसमें भी वन से टू, टू से थ्री पे जाना, तो ध्यान दें आप ऐसे नहीं आ सकते, तो पहले कौन मिल जाएगा, थ्री, हमें वन से टू पे जाना, इग्नोरिंग फोर, फोर बीच में आ गया तो उसका मतलब नहीं, तो वन से हमने यहाँ टू पे आया मैं, और टू से यहाँ थ्री पे, तो ये कैसे जा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज, और जो मेरा लो प्रायोरिटी है दैट इज फोर्थ नंबर वाला, वो वर्टिकल पे है, वैलिड है, तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो इसलिए क्या बोलूँगा इसको, आर, क्लॉकवाइज में फिर आर, सेंट्रल रेलवे से याद रख सकते हो, सी आर, क्लॉकवाइज तो आर, राइट, चूँकि वर्टिकल पे है वो। इस केस में अगर मैं चेक करूँ तो ध्यान से देखो, क्लोरीन को आप दोगे वन, राइट, ऑक्सीजन को दोगे टू, ये कार्बन को थ्री और ये फोर, राइट, हमें ऑलवेज वन से टू, तो ऐसे जाना पड़ेगा, वन से टू फिर टू से थ्री, राइट, इग्नोरिंग फोर, फोर से कोई मतलब नहीं है, तो आप कैसे चल रहे हो, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो आप चल रहे हो, बट आपका लो प्रायोरिटी वर्टिकल पर नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो एस होना था, लेकिन रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, आर, इस तरीके से आपको करना है बेटा, समझ गए बात। नाउ ट्रिक्स फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एन काउंट कर लेंगे, वेयर एन इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर, राइट, उसमें कितने कायरल सेंटर है, उसके बाद आप उस मॉलिक्यूल का दोनों साइड से नेमिंग करेंगे, अगर आयु पैक नेमिंग डिफरेंट आ रहा है तो टू की पावर एन हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, अगर आयु पैक नेम सेम आ रहा है तो फिर आपको देखना है कि एन की वैल्यू कितना है, अगर इवन है तो टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन बाई टू माइनस वन, अगर ऑड है तो टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। अभी मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ, ध्यान रहे रिंग के केस में ये फार्मूला ना लगाए तो बेटर है, क्योंकि गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, लॉजिकली थिंक करना है, लॉजिकली इन द सेंस आपको जीआई कैसे ड्रॉ करना है वो बता रखा हूँ जीआई वाले वीडियो लेक्चर में, फिर वहाँ से आपको ओआई थिंक करना है वाया कि चेक करना है कि उसमें पीओएस या सीओएस तो नहीं है, तो कैसे वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल हमने लिया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये कायरल है ये भी कायरल है, राइट, दोनों तरफ से नेमिंग सेम नहीं आएगी, तो एन कितना हो गया इसका, टू, तो इसलिए ओ आई कितना हो जाएंगे, टू की पावर टू डैट इज फोर। ऐसे केस में नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है, अगर आप इस कार्बन का कर रहे हो तो इसके चार ग्रुप कौन है, ये है एक हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये सी एस थ्री, तो ध्यान से देखो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन वन एटॉमिक नंबर में, उसके बाद इधर आएंगे तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट यहाँ पे कार्बन पे बड़ा वाला जो लेंगे वो लेंगे जो सबसे बिग होंगे, तो इसलिए इधर क्या मिल जाएगा इसको, टू, फिर ये हो जाएंगे थ्री और ये फोर, आपको क्या बोला था, वन से टू, टू से थ्री, तो कैसे जा रहे हो आप, ध्यान से देखो क्लॉकवाइज, बट आपका जो लो प्रायोरिटी है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे नहीं है, तो क्लॉकवाइज तो आर होना था लेकिन क्या हो जाएगा, एस, तो इसका क्या रहेगा, एस, तो करेंगे। फिर अगर मान लो मुझे इसका करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो बी आर को वन मिलेगा, राइट, जो जो इसके ग्रुप होंगे, इधर सी एल को आपको टू मिल जाएगा, इधर ओ है जबकि इधर कार्बन है, राइट, पहला जो एलिमेंट अटैच होगा तो इसको थ्री मिलेंगे और ये वाले को फोर मिल जाएगा, राइट, समझ के बाद। अब आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो वन से टू, टू से थ्री, तो ऐसे जाना पड़ेगा, वन से टू, टू से थ्री, इग्नोरिंग फोर, तो आप कैसे जा रहे हो, ध्यान से देखो क्लॉकवाइज, और लो प्रायोरिटी आपका वर्टिकल पे है, तो क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, आर, तो इसलिए ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, आर, तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो कैसे करना वो भी आपको समझा दिया। अब जैसे इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट दोनों तरफ से नेमिंग सेम आएगा, राइट, तो एन कितना हो गया आपके लिए, टू, बट नेमिंग सेम आ रहा है, तो एन टू है तो मतलब क्या हो गया, इवन, तो इवन में ये फॉर्मूला लगाना है, तो टू की पावर टू माइनस वन प्लस टू की पावर टू बाई टू माइनस वन, तो ये कितना हो गया, टू की पावर वन, टू की पावर जीरो, तो कितना हो गया, थ्री, तो इसमें तीन ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे, राइट, जिसमें से एक ये होंगे, एक इसका मिरर इमेज होगा, और एक जो आप ये वाला बनाओगे, तो ध्यान से देखो इसी में
वो पी ओ एस आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो इसी को बोलते हैं मीजो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे केस में आपको ये करना है। रिंग के केस में कैसे करना है, तो आपको समझाया कि आपको क्या करना है, फिर पहले जी आई थिंक करना है। तो इसका जी आई हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है अगर ये दोनों अप में हो गए, दोनों ही अगर मान लो अप में होते, राइट, ये सी एस थ्री भी, तो ये आपका सिस या ट्रांस जो भी होता, तो अगर दोनों अप में है, तो अगर मैं मान रहा हूँ सिस, और एक कंडीशन क्या होता कि ये किसी एक को डाउन में कर दो, किसी एक को अप में कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या आपका ट्रांस, राइट। तो ये क्या हो गया आपके ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे एक और दूसरा कौन है, अगर ये अप में है तो हाइड्रोजन आपका डाउन में, और ये अप में तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाउन में, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सेम साइड है तो सिस, यहाँ पे ये डाउन में तो हाइड्रोजन आपका अप में, और ये अप में तो हाइड्रोजन आपका डाउन में, तो उस वजह से ट्रांस। तो ये आपको ड्रॉ कर लेना जी आई, वो ईजी है। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इस प्लेन से कट करोगे तो सी एस थ्री के सामने ओ एच आ रहा है, तो पी ओ एस नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। और सिमिलरली इसमें भी नहीं आएगा आपको, राइट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं तो ये होते हैं खुद और इसका मिरर इमेज, राइट, तो दो हो जाएंगे। ध्यान रहे दो कैसे, एक ये खुद एक मिरर इमेज, वैसे ही ये खुद और मिरर इमेज, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो कितना हो जाएगा आपको, फोर। ध्यान दे इसमें जी आई ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर पूछे तो वो भी हो जाएगा फोर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने जी आई काउंट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने बेटा सब कुछ को डिस्कस कर दिया, आपको सारे ट्रिक दे दिए, आप सारे पी वाई क्यू को इस पर बेस सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।